हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा CSE हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना लेके आया हूँ कि पहले एक कंपनी चलती थी 8-9 साल पहले, पल्स नाम से, पल्स लिमिटेड कंपनी एक, जिसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था, अपना रुपये भी लगाया था उस कंपनी ने। बड़ा बड़ा दावे किए थे, जैसे मान लो तो 5,000 भरवाएगा तो उसको 7,000 मिलेगा, 8,000 भरवाएगा 10,000 मिलेगा, ऐसे ऐसे कुछ पहले कंपनी चलती थी। अब साल लग पहले उसका रिफंड के लिए फॉर्म भरे गए थे, वो कंपनी बाद में डूब गई थी, कंपनी बच गई थी, और अभी साल एक पहले उसके फॉर्म भरे गए थे रिफंड के लिए। तो दोस्तों, जिनकी लगभग 7,000 से कम अमाउंट थी, जिन्होंने कम अमाउंट भरवाई थी, उनका लगभग रिफंड आ गया है, और कंपनी ने अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में भी अपना ये लेटर जारी कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ आपके सामने रहा, ये देखिए प्रेस विज्ञप्ति 21/2020 को आई है ये, जिसमें लिखा हुआ है PSEL लिमिटेड के निवेशकों अथवा आवेदकों को दिए गए भुगतान की स्थिति। PSEL लिमिटेड के मामले से संबंधित न्यायपूर्ति सेवानिवृत्त RM लोडा समिति ने PSEL लिमिटेड में निवेश करने वाले निवेशकों को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब तक 7,000 रुपये तक की रकम के दावे करने वाले 8,31,018 निवेशकों को कुल 204.85 करोड़ रुपए की रकम अदा की जा चुकी है। मुंबई 15 अप्रैल 2020 को ये लेटर जारी हुआ था पल्स कंपनी से। दोस्तों, इसके लगभग फॉर्म भी भरे गए थे, सारे का पहले लगभग फॉर्म भरे गए थे, इसमें जिन्होंने रिफंड के लिए फॉर्म भरवाए थे उनके फॉर्म भरे गए थे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सही अंदाज़ा लगाया था कि कोरोना वायरस के चलते सेबी पल्स के गरीब इन्वेस्टर्स तक पैसा पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगी, ताकि गरीब लोगों को पैसा मिले और इस लॉकडाउन के चलते कुछ ज़रूरतें पूरी कर सके। तो दोस्तों, ये देखिए इस कंपनी का ये ऑफिशियल लेटर भी जारी हुआ है। ये देखिए आपके सामने ऑफिशियल लेटर रहा कंपनी का, 15 अप्रैल 2020 को लेटर जारी हुआ था। आपको मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप अपनी पेमेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं। जैसे मान लो उनकी आपकी पेमेंट का क्या स्टेटस है रिफंड के लिए, और पेमेंट रिफंड कब तक होगी, आपका पेमेंट में जो आप ये सर्टिफिकेट में जो नाम था वो क्या नाम था, क्या कुछ है वो स्टेटस, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। मैं आपको उसकी भी लिंक दे दूंगा, आपको चेक करके बता दूंगा, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि क्या स्टेटस कैसे चेक होता है, और इस कंपनी में कैसे स्टेटस चेक किया जाता है। तो दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, मैं आपको आप इस लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अपना जो भी स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। आके देखिए, इसमें लिखा है न्यायपूर्ति सेवानिवृत्त RM लोडा समिति PSEL लिमिटेड के मामले में द्वारा PSEL लिमिटेड के निवेशकों को रिफंड। तो दोस्तों, आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर था यहाँ पर, वो प्रमाण पत्र PSEL नंबर था, वो आप अपना नंबर यहाँ पर लगाइए। जैसे मान लो जो भी नंबर आप लगाइए, मैं आपको एक स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर आप अपना कैप्चर कोड जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो कैप्चर कोड नोट कीजिए, और इसको सर्च बटन पे ओके कीजिए। जैसे मान लो खोजे बटन पे ओके कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये इसका स्टेटस दिखा रहा है। जैसे मान लो इसका पंजीकरण क्रमांक आ गया, पल्स सर्टिफिकेट नंबर आ गया, दावा की गई कुल रकम, जैसे मान लो इन्होंने कहा था कि 7,360 रुपये मैंने भरवाए हैं, तो ये इनकी वो आ गई रकम आ गई, और ये आ गया सिक्योरिटी एजेंट के कारण इसका पैन नंबर पूरा नहीं दिया, ये इसका पैन नंबर आ गया, और ये लिखा हुआ है योग्य वापसी राशि। तो इसमें अभी तक इसको 1 रुपये भी रिफंड नहीं मिला, तो इसमें 0-0 लिखा हुआ है, और ये नीचे लिखा हुआ है कि आवेदन की स्थिति का दावा करें। आपके आवेदन PSEL प्रमाण पत्र संख्या, आगे इसका सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, को इस स्तर पर संसाधित नहीं किया जा सकता है, और आप इस संबंध में अधिसूचना का इंतजार कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कंपनी द्वारा कि अभी आपका जो रिफंड स्टेटस है वो नहीं दिखा रहा है, आप कृपया वेट कीजिए, आपका रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इसे चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के साथ साथ वीडियो को भी शेयर कर देना, ताकि जो भी पल्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था रिफंड के लिए, उनको वापस मिल सके पेमेंट, उनको वापस मिला या फिर नहीं मिला, कैसे मिला है, कितना मिला है, वो भी स्टेटस देख सकें। अगर आपको भी पेमेंट रिफंड हुआ है उसका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितना पेमेंट रिफंड हुआ है। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।